So hello guys, welcome back to my channel. I'm Jospin D'Souza. So today I'm going to show you our chicken curry sari. So this is 2.2 inches of box. Today I'm going to show you a stepwise how to create a design of chicken curry fabric. So we are going to do a rendering part. So in this box I'm going to draw now all the motifs or the pattern which we are going to use for the 8.8 inches of paper. Then we are going to create a garment. So I'm going to take a palette and take a water in it. Then I'm going to mix a little bit of black so that it gives a gray shade. तो यहाँ मैंने ब्लैक कलर मिक्स कर दिया है। अब मैं एक रफ पेपर पे चेक करूँगी कि मेरा वो जो शेड है जो मुझे क्रिएट करना है वो सही है या नहीं। तो एक बार अप्लाई करने के बाद रफ पेपर पे उसे सूखने दें। सो ये सूख चुका है। अब मैं एक्चुअल मोटिफ पे आऊँगी और वहाँ पे मैं पूरे बॉक्स को वो शेड लूँगी जो शेड की हमें सारी चाहिए। सो अगर आपको ग्रीन ब्लू या कोई भी शेड की सारी चाहिए तो उसमें आप पहले पानी ले और फिर उसमें वो कलर डालिए। जितना लाइट आप वो कलर बना सकते हैं आप बना लीजिए। सो ये हमारा बन चुका है। पहले पानी ले और फिर उसमें वो कलर डालिए। जितना लाइट आप वो कलर बना सकते हैं। सो हमारा ये सूख चुका है और अब मैं वाइट पेन यूज़ करूँगी, वाइट बॉल पेन। और अब पूरे मोटिव को मैं बताऊँगी कि किस तरह से इसको डिज़ाइन करना है। एक छोटी छोटी डैश देके हम सब लाइंस पे चलाएंगे। छोटी छोटी लाइंस देके फिर उस डिज़ाइन को कंप्लीट करना है। तो जितने भी पेंसिल से ड्रॉ किया है आप उसी के ऊपर वाइट पेन से छोटे छोटे डैश दें। जितना छोटे आप दे सकते हैं आप दे सकते हैं, क्योंकि ये बॉक्स क्योंकि छोटा है, 2.2 इंच का है, तो ज़्यादा छोटा नहीं बन पाएगा। तो जितने छोटे मैं डैश बना सकती हूँ मैंने बना दिया है। सो ये जो डॉट मैं दे रही हूँ वो डॉट है फ्रेंच नॉट स्टिच, जो कि साड़ी पे या जो कपड़ा रहता है, जो फैब्रिक रहता है, उस पर फ्रेंच नॉट स्टिच दी जाती है जो कि बॉल्स में रहती है। और जो डैश जो है वो है रनिंग स्टिच, जो कपड़ों पे रनिंग स्टिच की जाती है और उसके ऊपर फ्रेंच नॉट भी कई कई किया जाता है जहाँ पर डिज़ाइन की ज़रूरत हो। सो जो चिकन करी फैब्रिक है वो लखनऊ में फेमस है बहुत। तो इन पूरी साड़ी पे जो वर्क होता है वो हाथ से ही किया जाता है। जो लेबर्स हाथ से, जो कारागिर रहते हैं वो हाथ से ही करते हैं। इसमें रनिंग स्टिच यूज़ की जाती है। ज़्यादातर 90% काम इन
उनका रनिंग स्टेज पे होता है, इसलिए वो छोटे छोटे डैश जो दे दे रही वो रनिंग स्टेज के हैं। और कई कई नॉट दिया जाता है फ्लावर्स पे या किसी भी फ्लावर्स को डेकोरेट करने के लिए, कभी कई कई फ्रेंच नॉट के भी यूज़ किए जाते हैं। चिकन करी सारी बहुत ही फेमस है, सारे ही नहीं सारे टाइप के गार्मेंट्स भी। ये जो फैब्रिक यूज़ किया जाता है वो कॉटन, ऑर्गेन्जा, सिल्क, किसी भी फैब्रिक पे यूज़ किया जाता है। इसका डिज़ाइन बहुत ही जितने बारीकी से करे उतना अच्छा दिखता है, और ये थोड़ा एक्सपेंसिव भी रहता है ताकि बिकॉज पूरा जो लेबर वर्क है वो बहुत बारीकी से किया जाता है, तो इसलिए ये कारागिर जो रहते हैं वो बहुत ही बारीकी से काम करते हैं, तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव भी रहता है और ये ज़्यादातर लखनऊ में बनाया जाता है। तो इसमें जो थ्रेड्स रहते हैं वो मुकेश बेड से भी यूज़ किया जाता है, बेड भी यूज़ करते हैं, मिरर यूज़ करते हैं, और ऐसे बहुत सारे थ्रेड्स भी यूज़ कर सकते हैं, और ज़्यादातर यहाँ पे कॉटन थ्रेड यूज़ किया जाता है। और ये चिकन करी सारी है, ये हमारा इंडियन ट्रेडिशनल है, तो ये इंडियन ट्रेडिशनल में काउंट किया जाता है। सो नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। ये जो मैंने ब्लैक बनाया था पानी में मिक्स करके, वो मैं हल्का हल्का सा डिज़ाइन के जो गैप्स है उसमें दूंगी, डिज़ाइंस के जो गैप्स है उसमें दूंगी, सारे जगह नहीं दूंगी। तो मैं जहाँ पे डिज़ाइन है उनके गैप्स के बीच ही वो शेड फिर से यूज़ कर रही हूँ, ताकि वो थोड़ा 3D टाइप लगे, डिज़ाइन थोड़ा निखर के दिखे, इसलिए मैं वापस वो ब्लैक शेड यूज़ कर रही हूँ। सो अब मैं ब्लैक पेन यूज़ कर रही हूँ, साइड बॉर्डर्स पे एकदम लाइटली मैं उसको लाइन दे रही हूँ, और जो मोटिव्स मैंने बनाया, जो डिज़ाइंस मैंने बनाया उनके बीचों बीच मैं वो लाइंस क्रिएट करूँगी, थोड़ा शेडो दिखाऊँगी। आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से स्लोली स्लोली उस लाइंस को बना रही हूँ, और अब मैं मोटिव्स के बीच छोटे छोटे शेडोज लाइंस क्रिएट करूँगी, सिर्फ हल्के से एक की तरफ शेडो एक ही तरफ से आएगा तो मैं एक ही तरफ लाइन करूँगी। तो आप अच्छे से देखें कि मैं कहाँ कहाँ लाइन क्रिएट कर रही हूँ। सो आप ग्रे पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं, ग्रे पेंसिल से भी बहुत इजीली शेडोज क्रिएट हो सकते हैं, तो मैं थोड़ा लाइटली साइड्स की तरफ से ग्रे पेंसिल का यूज़ करूँगी, उसमें शेडो थोड़ा दिखाऊँगी, और बीच बीच में कहीं कहीं मैं लाइट थोड़ा डार्क कलर करूँगी शेड का। मैं आपको 8x8 इंचेस में भी दिखाऊँगी किस तरह से करना है, तो आप सारे फ्लावर्स देख सकते थोड़ा निखर के आ रहे, तो वो चीज़ आप अच्छे से कर सकते हैं, ढंग से कर सकते हैं। तो ये है मैं जो 8x8 इंचेस के बॉक्स में मैंने क्रिएट किया है, तो वो ज़्यादा अच्छे से निखर के दिखेगा। तो आइए हम 8x8 इंचेस पे फिर से करते हैं, वही स्टेप हमें अगेन एंड अगेन करना है। तो सबसे पहले मैं ग्रे शेड क्रिएट करूँगी, जैसे मैंने बताया था कि पानी और ब्लैक यूज़ करना है, तो ये मैं कर रही हूँ अभी। तो कोई भी कलर बनाने के बाद याद रखना कि हमें एक रफ पेपर पे पहले वो कलर ट्राई करना है, देन हमें एक्चुअल पेपर पे यूज़ करना है। सो लेट्स स्टार्ट। मैं पूरे 8x8 इंचेस के बॉक्स में वो शेड लगाऊंगी, जैसे मैंने 2x2 इंचेस के बॉक्स में लगाया था। सो ये मैंने कर दिया और ये सूख भी गया है, तो अब मैं जो मोटिव्स है उसको थोड़ा डार्क करूँगी, जो मैंने पहले बना के रख दिया था, तो मैं थोड़ा डार्क करूँगी ताकि वो दिख सके।
सो अब टाइम आया कि वाइट पेन से हम वो छोटे छोटे लाइंस सारे मोटिव्स पे हम क्रिएट करेंगे, छोटे छोटे लाइंस हम फिर से बनाएंगे। सो यहाँ पे बड़े मोटिव्स हैं तो मैं बहुत इजीली वो जो लाइन्स है वो मैं दिखा सकती हूँ, जो छोटे छोटे रनिंग स्टिच की लाइन्स है वो मैं बड़े क्लियरली से दिखा सकती हूँ, तो आपको भी बहुत क्लियरली दिखाई दे सकता है वो। तो आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल ये देख रहा है, जितने आप अच्छे से पेशेंटली आप जितना काम करेंगे उतना वो अच्छा दिखेगा। सो हम फिर से सेम स्टेप रिपीट करेंगे, जो ब्लैक और पानी को मिक्स किया था वो शेड हम सारे मोटिव्स के So thank you guys for watching this video. I hope you like this video. Do like, share and subscribe to my channel. I'm coming with the more new such videos. Very soon I'll come with my next video. Till then, bye bye.